सी आइसो हाइट मीन्स द पॉइंट ज्वाइनिंग सॉरी लाइन ज्वाइनिंग डिफरेंट लाइन ज्वाइनिंग द सेम रेनफॉल डाटा। ओके सपोज यहाँ पे तुम्हारा एक रेनकॉ स्टेशन था, यहाँ पे एक रेनकॉ स्टेशन था, इसमें भी तुम्हारा देखो 1400 ये शो कर रहा है, इस वाले में भी 1400 शो कर रहा है। तो जहां जहां पे तुम्हारा 1400 शो करेगा उसको तुम ज्वाइन कर दो लाइन से, एक लाइन से। ओके तो उसको हम बोलेंगे आइसोहाइड्रल लाइन, जो कि ऐसा दिखने में होगा। अगर हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू से अगर देखेंगे तो देखो ये 1400 का हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद 1500 का हो गया, फिर 1600, ऐसे करके लाइंस ज्वाइन कर दिया, जैसे कंटूर तुम लोग का होता है वैसे यहाँ पे भी, ठीक है। और आइसोस्नीफ, आइसोनीफ का मतलब क्या है कि इट इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल स्नोफॉल। आइसो हाइट है तुम्हारा इक्वल रेनफॉल, और आइसोनीफ है तुम्हारा इक्वल स्नोफॉल। ओके अब इसी के ऊपर बेस करके तुम्हारा आज का एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, ठीक है। डिराइव इन द सेंस ये ऑलरेडी डिराइव्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, पिछले वाले में था तुम्हारा क्या था कि सबको एवरेज कर दो रेनफॉल फर्स्ट में एरिथमेटिक मीन में, सेकेंड में था एवरेज, मतलब एवरेज करेंगे, लेकिन वहां पे एक कंसिडरेशन एक्स्ट्रा क्या था कि एरिया बेस्ड, एरिया के हिसाब में हम एवरेज करेंगे, ठीक है। अब इसमें ये आइसोहाइटल का जो भी डाटा है उस हिसाब से हम एवरेज करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो ये वाला है 10 सेंटीमीटर, अगर बोलेंगे कि इस लाइन में सब रेनफॉल डाटा विल बी 10 सेंटीमीटर, इस लाइन में ऑल द रेनकॉ स्टेशन विल कलेक्ट 11 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड। ओके तो ऐसे करके लाइन हम ड्रॉ कर दिया है। अब इन दोनों के बीच में ये जो दो लाइन है मतलब सब्सिक्वेंट जो लाइन है इसके दोनों के बीच में जो भी एरिया आएगा, वी हैव टू फाइंड आउट दैट एरिया फर्स्ट। सपोज दैट इज A1, ये वाला एरिया A2, ये वाला एरिया A3, ऐसा करके जा रहा है, मतलब ये वाला फर्स्ट स्टार्टिंग है A1 A2 A3 ऐसा करके, ठीक है। और इसका करेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये और जो भी यहाँ पे रहेगा बगल में उन दोनों का एवरेज लेना है, ठीक है। ये पर्टिकुलर ये वाला एरिया के लिए, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग रेनफॉल डाटा कौन सा लेंगे, इन दोनों का एवरेज, मतलब जो आइसोहाइट कवर करके जो एरिया हो रहा है वो आइसोहाइट का एवरेज, मतलब P1 + P2 / 2। जैसे इस वाले एरिया के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला 11 + 12 / 2 × A1 A2, ठीक है, ऐसे करते जाएंगे, टोटल जो भी आएगा वही सेम है P1 × A1, राइट से वैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे P1 क्या है, इन दोनों का एवरेज है, ठीक है, एंड दैट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया विल गिव यू द मीन रेनफॉल डाटा। ओके जो कि ये है फॉर्मूला, देखो पी एवरेज इज A1, ठीक है। अब ये क्या है, P1 और P2 का मतलब है, ये वाला एक आइसो हाइट है सपोज 10 सेंटीमीटर का, ये वाला एक आइसो हाइट वैल्यू है मतलब 11 सेंटीमीटर का, तो इन दोनों का एवरेज, मतलब 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर के बीच में जो एरिया है, ठीक है, उसका एरिया है A1, और ये दोनों का एवरेज लेना है जो कि ये है, ठीक है। सिमिलर ऐसे करते करते हमको एडअप करते करते जाना है 1 / टोटल एरिया, ये एक केस है, ठीक है। दूसरा केस होगा कि अगर ऐसा कंडीशन है, देखो ठीक है, ये वाला एरिया का एक ही आइसो हाइट मतलब आ रहा है, उसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरा आइसो हाइट इसके बाहर से जा रहा है, राइट। तो हम इसका तो रेनफॉल कंसिडर नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे, हम सिर्फ तब सिर्फ ये वाला रेनफॉल का डाटा यूज करेंगे। जैसे A1 के लिए क्या हो जाएगा, A1 × only this value, ओके। देन A2 × क्या हो जाएगा, ये दोनों का एवरेज, प्लस A3 × दोनों का एवरेज करते करते जाएंगे। अगर यहाँ पे भी नहीं है तो सिर्फ लास्ट का जो भी एरिया होगा इनटू ये वाला वैल्यू सिर्फ। तो इसीलिए देखो यहाँ पे ऐसा ही किया है, A1 P2 + A2 ऐसे ऐसा करके गए, डिवाइडेड बाय टोटल कैचमेंट एरिया। सो दो मेथड है, देखो एक ये है एक ये है। यहाँ पे फर्स्ट में ही एवरेज है दोनों का, क्योंकि ये वाला एरिया, ये वाला आइसो हाइट इसके अंदर ही था पहले, ठीक है, तो तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन होगा कि एक आइसोहाइट बाहर की तरफ है, मतलब लास्ट वाला एज वाला एरिया में सिर्फ एक ही आइसोहाइट क्रॉस कर रहा है, देन ऐसा लेंगे, जो भी उसको क्रॉस करेगा वो उसका वैल्यू हम लेंगे। क्लियर एवरीवन? सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये वाला यस एक मैम, यस मैम। एग्जाम्पल देखो ये वाला एक एग्जाम्पल है, देखो ये वाला कौन सा है, दिस इज 2.5, ओके। देखो ग्रेटर देन इक्वल्स 2.5, ठीक है, फिर है तुम्हारा 2.75, ठीक है, फिर आ रहा है 3.25, ऐसे करके आइसोहाइट्स दिया है, ये सब वैल्यू दिया है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आइसोहाइट्स दिया गया है, उसका करेस्पॉन्डिंग एरिया क्या है,
29 है माइल्स, ठीक है। फिर 2.75 जो भी होगा तुम्हारा एवरेज वैल्यूज है, ये सब एवरेज वैल्यूज, ठीक है। तो 1.7117 है, फिर 3.25 ये वाला दिया है। अब सबको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज A1 P1 A2 P2, ऐसा करके फिर सम अप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो A1 P1 A2 P2, ऐसा सम अप कर दिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, सो वी विल गेट दैट एवरेज वैल्यू। ऐसे एक हो गया। अब दूसरा टाइप का ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, ये वाला तुम लोग सॉल्व करके हमको बोलो। प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज इजी। द आइसो हाइट्स फॉर एनुअल रेनफॉल ओवर अ कैचमेंट बेसिन वॉज ड्रॉन, ओके ड्रॉ किया। द एरियाज ऑफ द स्ट्राइप्स, मतलब कि ये वाला, ये जो स्ट्राइप्स, ये जो ऐसा A1 एक्स स्ट्राइप हो गया, A3 एक्स स्ट्राइप हो गया, सबका एरिया दे दिया है। बोला द एरियाज ऑफ द स्ट्राइप्स बिटवीन आइसो हाइट्स इंडिकेटेड इन द टेबल, मतलब ये वाला, मतलब 75 और 85 के बीच में जो एरिया था उसका एरिया ये है, 85-95 के बीच में ये वाला है। फाइंड द एवरेज डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन ओवर द बेसिन, फाइंड आउट, फाइंड करके बोलो कौन सा आएगा, कितना आएगा। क्लियर क्वेश्चन? एनी डाउट इन द क्वेश्चन? हेलो। हेलो मैम, ये प्रॉब्लम करो कर रहे हो? यस मैम। हाँ मैम, ओके व्हाट इज द वैल्यू, कितना आ रहा है? एनीवन, यू कैन राइट इट इन द मैम कमेंट वन सेक्शन। फोर्टी सेवन 147, भूली कोड़ी से मैम। 98.93 किसने किया अभी? मंजी ना, मंजी ने किया ना। मोंजीमा करेक्ट, 98.92। व्हाट अबाउट द अदर्स? शुभजीत, यस शुभजीत मैम, एक बार ले मैम विश्वास, एक्टिव। ओके मैम, मोटा यस अच्छा। ओके नाइनटी एट सी, पॉइंट नाइन टू सिंपल, जस्ट वी हैव टू एवरेज दिस वैल्यूज, ओके। दैट इज P1 + P2 / 2, दैट वन P1 + P2 / 2, ओके, लाइक दैट। सिमिलरली वी डिड इट, एरिया बिटवीन दिस टू आइसो हाइट्स आर गिवन, ओके। नाउ फाइंड A1 × P1 + P2 / 2, दिस इज दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, लाइक दिस। देन वी विल सम अप, देन डिवाइड दिस बाय टोटल एरिया, सिंपल, क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन डू योर आइसोहाइट मेथड, ओके प्रॉब्लम। सो दिस लेक्चर इज कंप्लीट, नाउ लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके।
Our next lecture is, this is the sixth lecture. Okay, let me check the attendance. Okay, it's been there. So today's lecture is on inconsistency of rainfall. See, these two terms are important, inconsistency and double masker. We have to use double masker technique to find out the inconsistency. Inconsistency means, suppose you are taking readings, okay, in a particular area you have installed a rain gauge station, okay, say for example from 2000, okay, you have installed it, you are getting readings and all, okay, yearly you are calculating the annual rainfall data also. And other whatever the other base stations are also there, along with it there are some other stations are also there, you are collecting data from those also, okay. Now we are averaging everything, and we are getting some data. But after few years, okay, with the modification of the technology, or there is some improvement in the technology, we have installed one better rain gauge station, okay, one good quality or good modified version of rain gauge station. प्रीवियसली तुम लोग का कुछ रीडिंग दे रहा था कि वो शायद कुछ गलत हो सकता है, ठीक है. अब 2000 से लेकर 2010 तक तुम उसी से रीडिंग लेकर आ रहे हो, उसी इंस्टॉलेशन से, जैसे इंस्टॉल करके रखा था उसी से करके आ रहे हो, ठीक है. लेकिन आफ्टर 2010 तुम उस जगह से वो हटा के कुछ नया इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, कुछ नया वो इंस्टॉल कर दिया, या तुमने कुछ मेजरमेंट टेक्निक इम्प्रूव करके मेजर अच्छे और एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया 2010 से, ठीक है. अब 2010 से लेकर अब तक देखोगे कि एक मतलब डाटा तुम लोग एक टाइप का डाटा रिसीव कर रहे हो, ठीक है. तो वो जो 2010 में एक मतलब क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसको मतलब चेंजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ जिसकी वजह से प्रीवियसली जो भी डाटा था, और अभी उसके बाद जिस ईयर से तुम उसको इंस्टॉल किए उस ईयर के बाद अभी तक जितना 2020 तक जो भी डाटा है, there will be some variation in the reading. Okay. Now tell me which one will give you the correct reading. तुमको कौन सा मतलब reading लग रहा है कि correct होगा, जो 2000 से लेकर 2010 तक का है, या 2010 से लेकर 2020 तक का है? Which reading will you will think that it is better or it is more correct reading? मैम 2010 से 2020 Exactly. क्योंकि तुमने कुछ मॉडिफिकेशंस किया, या तुमने कुछ देखा कि अच्छा इतने साल तक कुछ गलती था वहां पे, पहले नोटिस नहीं किया था, लेकिन 2010 में जाके तुमने नोटिस किया, तो उसको रेक्टिफाई करके और फिर से रीडिंग ले रहे हो, ठीक है. तो ऑब्वियसली अब तुम्हारा और करेक्टेड रीडिंग आ रहा है कंपेयर टू दोस प्रीवियस 10 ईयर्स, ओके. लेकिन हमको जो डिपार्टमेंट है मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसको तो एक कंसिस्टेंट डाटा अपने पास रखना चाहिए, राइट. हम तो पहले भूलभाल रीडिंग लेकर आ रहे हैं, तो अब हमको चाहिए कि जो 10 ईयर्स तक हम जो इनकरेक्ट डाटा ले के आ रहे थे, उसको अब हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे टू द करेक्टेड डाटा, ठीक है. कैसे करेंगे, जो अभी करेक्टेड डाटा हमको मिला है उसका ही कुछ पैरामीटर्स यूज करेंगे, ठीक है, उसका ही कुछ फैक्टर्स हम यूज करके उसको अप्लाई करेंगे पुराने वाले में. यहाँ से जो भी हम डाटा लिए है उसका कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, एक पैरामीटर निकालेंगे, वो पैरामीटर या करेक्शन फैक्टर जिसको बोलते हैं, वो करेक्शन फैक्टर निकाल के हम उसका यूज करेंगे प्रीवियस 10 ईयर्स डाटा को, उसका एक्चुअली में करेक्टेड डाटा क्या होना चाहिए वो निकालने के लिए, ठीक है. जितना भी किए थे 2010 तक जो भी डाटा दिया था गलत भूल रीडिंग था, अब उसको हमको सही रीडिंग में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है. अगर इंस्टॉलेशन सही से होता तो अच्छा रीडिंग कैसा होता, करेक्टेड रीडिंग कैसा होता, वो कैसे निकालेंगे. सो दैट ये जो भी ग्राफ एक फॉलो होता है, जो भी ग्राफ मेंटेन होता है, उसमें कंसिस्टेंसी रहे, कोई चेंजेस ना रहे, ठीक है. तो इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी, ठीक है. उसको करेक्ट करने के लिए हम डबल मास्कर यूज करते हैं. अब आता है कि ये जो इनकंसिस्टेंसी कैसे होता है. ओके, सो टॉपिक इज, टुडेस टॉपिक इज, व्हाट इज इनकंसिस्टेंसी इन रेनफॉल डाटा, व्हाट आर द कॉजेस, ओके, क्यों होता है. दूसरा है व्हाट इज मास कर्व एंड व्हाट इज डबल मास कर्व टेक्निक, ओके, जो कि हम सॉल्व करेंगे एक प्रॉब्लम इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, जो कि न्यूमेरिकल एक होगा. सो डिसकंटिन्यूटीज इन प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट, मतलब कि वही
चेंजेस हो गया, ठीक है। पहले कुछ अलग सा रीडिंग आ रहा था, अब अलग सा रीडिंग आ रहा, मतलब उसमें कुछ चेंज हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस मतलब सेम टाइप का नहीं आ रहा था, राइट, उसमें कुछ अलग हो गया। सो उसी को बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंसी। तो इसको क्यों होता है, ये इनकॉन्सिस्टेंसी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मे बी, ओके, इन इनमें से किसी किसी भी हो सकता है। एक होता है कि आइदर यू हैव शिफ्टेड द रेनगोज स्टेशन, ये भी हो सकता है, तुमने तो शिफ्ट कर दिया, पहले एक जगह पर रखा था अभी दूसरे जगह पर रख दिए हो, उससे भी हो सकता है। चेंज इन ऑब्जर्वेशन प्रोसीडियर, जैसे हम बोले कि पहले हम लोग कुछ मतलब मॉडिफिकेशन नहीं किए थे, नया नया टेक्निक यूज नहीं किए थे, अभी नया नया टेक्निक यूज करे ऑब्जर्वेशन के लिए, मतलब रेनगोज डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक है कि मैनुअली हो रहा है, ठीक है, एक हो रहा है शिफ्ट की वजह से हो रहा है रेनगो स्टेशन, और तीसरा है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम, सॉरी इकोनॉमिक बोलिए इको सिस्टम में भी चेंजेस हो जाता है, ठीक है। पहले वहां पे नेचुरल डिजास्टर होने मतलब हो गया, तो तब शायद उसका कुछ इको सिस्टम चेंज हो जाएगा, तो उसकी वजह से तुम्हारा रेनफॉल डाटा में भी चेंजेस आ सकता है, राइट। या हाइड्रोलॉजिक साइकिल में कुछ चेंजेस आ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो हम लोग का सब कुछ अलग अलग थलग हो रहा है, जैसे कुछ सालों तक अलग साइड ट्रेंडिंग था, राइट, ये क्लाइमेटिक वेदर अलग 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 साइड है, आफ्टर कोरोना देखना थोड़ा चेंजेस आ रहा है, राइट। तो यही सब ही है, इस वजह से तुम्हारा मतलब जिस टाइम में बारिश नहीं होना चाहिए, तो उस टाइम में भी बारिश हो रहा है, वैसा हो रहा है, सो इकोसिस्टम में चेंजेस आ रहा है, राइट। तो उसकी वजह से भी इनकॉन्सिस्टेंसी आता है, ये हम लोग के ऊपर ही सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहता, ये नेचुरल के ऊपर भी डिपेंडेंट है इनकॉन्सिस्टेंसी। नाउ ये जो डबल मास कर बोल रहे हैं, तो उससे पहले हमको चाहिए सिंगल मास कर, मतलब मास कर किसको बोलते हैं वो जानना है। मास कर कुछ नहीं है, एक ग्राफ प्लॉट करना है, किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, वाई एक्सिस में, सॉरी एक्स एक्सिस में रहेगा तुम्हारा टाइम, मतलब टाइम के अगेंस्ट में एक्यूमुलेटेड रेनफॉल या एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड बोल रहे, याद रखना है, एक्यूमुलेटेड मतलब क्यूमुलेटिव, ठीक है, मतलब कि एक ईयर में, इस ईयर में इतना बारिश जमा था, हाँ, सपोज बोल रहे थे एक ईयर, इस ईयर में 90 mm वाटर जमा हुआ था, 90 सेंटीमीटर वाटर जमा हुआ है, एनुअल रेनफॉल डाटा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में 100 सेंटीमीटर कलेक्ट हुआ था, राइट, ऐसा रिकॉर्डिंग हुआ था, तो क्यूमुलेटिव कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर में, 190, इसको बोलते क्यूमुलेटिव, मतलब हमको क्यूमुलेटिव करते करते जाना है। सो दैट डाटा वर्सेस टाइम, मतलब विथ टाइम कैसा ये डाटा वेरिएशन कर रहा है, उसको बोलते हैं मास कर्व। यही हम बोल रहे थे ना उस दिन कि हम लोग का सेल्फ रिकॉर्डिंग एक है और एक दूसरा है कि नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का, तो सेल्फ रिकॉर्डिंग मतलब जो है रिकॉर्डिंग टाइप में ये ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं रेनगोज स्टेशन से ही, तो ये है वो वाला ग्राफ जो कि रेनगोज से खुद प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। विथ टाइम तुम्हारा कितना पानी जमता जा रहा है क्यूमुलेटिव वे में, ठीक है, तो ये हो रहा है। देखो स्टॉर्म स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली पानी का मतलब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, डेप्थ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, स्टॉर्म स्टॉप हो गए, अब यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रिजर्व के कॉन्स्टेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब अचानक से दूसरा स्टॉर्म आ गया, तो फिर से ऑब्वियसली तुम्हारा रेनफॉल डाटा फिर से बढ़ता जाएगा, मतलब वो फिर से जीरो में नहीं आएगा, क्योंकि उसके कुछ देर बाद ही तुम्हारा स्टॉर्म स्टार्ट हुआ था, राइट, उसको जीरो आने में टाइम लगेगा, इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन वो पहुंचने से पहले और एक स्टॉर्म आ गया, तो फिर से उसमें क्या हो रहा है, रेनफॉल ऑलरेडी कुछ कलेक्ट होकर रखा था, फिर से कलेक्ट होना स्टार्ट कर रहा है, तो और ये बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज द मास कर्व, ओके। अब आते हैं फिर डबल मास कर्व क्या है, डबल मास कर्व मतलब है कि कुछ नहीं, यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव रहेगा, यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव रहेगा, मतलब यहाँ पे भी रेनफॉल डाटा, यहाँ पे भी रेनफॉल डाटा, उसको बोलते हैं डबल मास कर्व, जो कि ये है, देखो दिस इज ऑल्सो क्यूमुलेटिव रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल इस तरफ है, इस तरफ भी क्यूमुलेटिव एनुअल रेनफॉल ये दिया है, ठीक है। ये डबल मास कर्व का यूज क्या है, ये यूज इसके वजह से, देखो यहाँ पे कौन सा डाटा है, यहाँ पे है कि सपोज जिस स्टेशन में तुम्हारा इनकॉन्सिस्टेंसी शो कर रहा है डाटा में, मतलब कुछ या कुछ वहां पे मॉडी शिफ्ट कर दिया वो वाला स्टेशन, ठीक है। सो उस वाले में तुम्हारा क्यूमुलेटिव रेनफॉल कलेक्शन कितना हुआ था, ये एक्सिस में देना है, ठीक है, और इस वाले एक्सिस में क्या रहेगा, इस वाले में रहेगा एवरेज वैल्यू, ये सब है एवरेज, ओके। लेकिन किस चीज का एवरेज, बाकी जो स्टेशन है आसपास में जो, उसको बोलते हैं बेज स्टेशन, ओके। रेनगॉज एक रहेगा, ठीक है, सपोज पेन को था वो, जैसे कि ये तुम्हारा कैचमेंट एरिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे है तुम्हारा वो एक
एक्स स्टेशन, ठीक है, जहां पे हमको लग रहा है कि इनकॉन्सिस्टेंसी, मतलब कुछ मैनुअल एरर हुआ है, जो भी है वो कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुआ था वहां पे, ठीक है। और बाकी है तुम्हारा बेस स्टेशन, सपोज उसके आसपास बाकी जो स्टेशन था, ऑल दीज आर बेस स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रेनफॉल कलेक्ट हो रहा है पी एक्स, ठीक है, उसको क्यूमुलेटिव हम करते जाएंगे, मतलब समेशन करते ही जाएंगे, ठीक है, करके यहाँ पे इस एक्सिस में प्लॉट करना है वो, ठीक है। और ये सब का जो भी डाटा है, इन सबको हम क्या करेंगे, सबको एवरेज कर देंगे, मतलब ये जो 1, 2, 3, ठीक है, ये जो सॉरी 4, ये सब जो भी डाटाज है इसको हम एवरेज करेंगे, एवरेज करके सबको फिर क्यूमुलेटिव करते जाएंगे, जो कि यहाँ पे रहेगा, वो भी समेशन ऑफ पी एवरेज, इसको है समेशन ऑफ पी एवरेज, ओके, एंड दिस इज समेशन ऑफ पी एक्स। तो प्लॉट करने के बाद जो ग्राफ मिल रहा है उसको हम बोल सकते हैं क्या, डबल मास कर्व। डबल क्यों, क्योंकि दोनों तरफ ही मास है, राइट। पहले में सिर्फ एक में मास था, वाई एक्सिस में मास था, और तुम्हारा एक्स एक्सिस में टाइम था, लेकिन इसमें दोनों तरफ ही मास है, ठीक है, क्लियर। लाइक दिस वी हैव टू प्लॉट, ओके। यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव, यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव, वो कैसे हम बाद में देख सकते हैं। यस, वाई एक्सिस में एक स्टेशन का मास है और एक्स एक्सिस में टोटल 10 स्टेशन का मास लेके कर्व हो रहा है ना। यस यस यस, ठीक है, लेकिन क्यूमुलेटिव माइंड इट, ठीक है, क्यूमुलेटिव मतलब सम करते करते जाना, हम दिखाएंगे क्या मतलब क्या है। अब ये वाला टेक्निक क्या है, ये है फॉर्मूला इसका, सॉरी दिस इज द टेक्निक, ओके, डबल मास का टेक्निक, यही जो बोले थे हम कि पी एक्स वर्सेस पी ए वी, ओके, पी एक्स वर्सेस पी ए वी कर्व बनाना है डबल मास का। अब वहां से एक चार्ट ड्रॉ करेंगे हम, उसमें से स्लोप वो वगैरह वगैरह लेकर यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ओके। तो फॉर्मूला है ये वाला, ओके, पी सी सफिक्स एक्स, ओके, इक्वल्स टू पी सी पी एक्स इनटू है ये एम सफिक्स सी बाय एम सफिक्स ए। क्या है पी सी है तुम्हारा, ये क्या है, करेक्ट के लिए हमको करेक्ट डाटा चाहिए, राइट। पी एक्स क्या था, पी एक्स था पुराना डाटा, जो पुराना मेजरमेंट की वजह से ले रहे थे वो है पुराना, ठीक है। अब उसको हम करेक्ट करेंगे किससे, इससे, मतलब ये फैक्टर है तुम्हारा करेक्शन फैक्टर, इससे मल्टीप्लाई करके जो पुराना डाटा था उसको हम नया में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि है करेक्टेड डाटा, विच इज पी सी, ओके। जैसे कि दिया है करेक्टेड वैल्यू ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल एट स्टेशन एक्स, एक्स क्यों, क्योंकि एक हम लोग पकड़ ले एक एक्स स्टेशन है इसीलिए, ठीक है। पी एक्स क्या है, ओरिजिनल रिकॉर्डेड वैल्यू, मतलब जो रिकॉर्ड करके रखे थे वो है, अब उसको मॉडिफाई कर देना है, फॉर्मूला में फेल के मॉडिफाई कर देना, तो उसको करेक्टेड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब एम सफिक्स सी क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ डबल मास कर्व फॉर इयर्स आफ्टर द चेंज, याद रखो आफ्टर द चेंज, एम सी का मतलब क्या है कि करेक्टेड स्लोप। जैसे हम बोले 2000 से लेकर 2010 तक एक डाटा कलेक्ट किए थे, दैट इज पी एक्स, ठीक है, मतलब 2000 से लेकर 2020 तक हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो सबको बोलते हैं पी एक्स, ठीक है, उसमें कोई करेक्शन नहीं है, ओके। 2010 में जाके हम लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन किया था, ठीक है, तो उसके बाद से जो भी डाटा आ रहा है वो एकदम परफेक्ट डाटा है, लेकिन 2010 के पीछे जो डाटा था, मतलब 2000 से 2010 तक, वो सब है क्या, वो सब है गलत डाटा है, ठीक है। तो वो उसका जो गलत डाटा का स्लोप है, दैट इज योर एम ए, ठीक है, मतलब वो देखो ये ग्राफ कैसा है, ये वाला स्लोप है तो ऐसा ऐसा वाला है, ठीक है। तो स्लोप किसको बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं इसको, ठीक है। सपोज हम बोल रहे थे कि ऐसा होता होता आ रहा है, यहाँ से तुम्हारा अचानक, इससे अच्छा हम यहाँ पे दिखाएंगे, रुको, ये वाला देखो, ठीक है, पहले यहाँ से स्टार्ट करें 2010, यहाँ सपोज ये वाला हुआ है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें 2000 में यहाँ पे था तुम्हारा रीडिंग, ठीक है, करते करते ये रीडिंग ऐसा ऐसा आ रहा है, ऐसे स्लोप में आ रहा था, ठीक है, मतलब ये क्या है, ये इनकरेक्ट, या ए भी बोल सकते हैं इसको, एम ए, ओके, स्लोप ऑफ द इनकरेक्ट डाटा जो कि पहले ले रहे थे 2000 से लेकर 2000, यहाँ पे 10 दिया है, इसको हम यहाँ पे कर देंगे सब, दिस इज 2010, ओके,
2000 से लेकर 2010 तक जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका इनकरेक्टेड स्लोप, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ईयर मतलब यहाँ पे हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। अब डाटा कलेक्ट कर रहे तो देखो स्लोप में चेंज आ गया, राइट। इसी को बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंसी। पहले स्लोप ऐसे जा रहा था, हाई स्लोप में था, अभी ये फ्लैट हो गया थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि रीडिंग्स में कुछ करेक्शन हो गया, यहाँ पे मॉडिफाइड हो गया। तो ये वाला जो स्लोप आ रहा है ये वाला अब करेक्ट डाटा का स्लोप है, इसीलिए ये क्या है, एम सफिक्स सी, स्लोप को एम से डिनोट किया है, और सी का मतलब है करेक्टेड डाटा का स्लोप, ठीक है, इसीलिए एम सी। और ये है इनकरेक्टेड डाटा का स्लोप, इसीलिए इसको एम आई या एम ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे जो जो डाटा है, यहाँ पे एक डाटा हुआ, यहाँ पे एक रेनफॉल डाटा है, यहाँ पे एक रेनफॉल डाटा है, उसको सबको इसमें कन्वर्ट कर देना है, मतलब इस वाले स्लोप में। देखो डैश डैश करके जो गया है, दिस इज द करेक्ट स्लोप एम सी, उसको एक्सटेंड कर दो, ये वाला होगा। तो हमको अब सबको इस वाले स्लोप में कन्वर्ट कर देना है, राइट। मतलब यहाँ पे जो भी डाटा है, दिस इज पी एक्स, सपोज ये है एक पी एक्स, ठीक है, तो पी एक्स को अब हमको पी सी एक्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको ये वाला चाहिए, मतलब ये स्लोप चाहिए एम सी एंड एम ए। तो इन दोनों के बीच का रेशियो ही बोलते हैं क्या है, हमारा करेक्शन फैक्टर है इसको, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, सिंपल यूनिटरी मेथड से। कैसे बोला गया है कि एम ए स्लोप के लिए जो डाटा कलेक्ट कर रहे थे वो कौन सा था, एम ए के लिए कौन सा डाटा हम कलेक्ट कर रहे थे, पी एक्स, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड करो, वन के लिए कौन सा होगा, पी एक्स बाय एम ए, ठीक है। तो फिर अब एम सी स्लोप के लिए कौन सा डाटा होना चाहिए, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एम सी से, ठीक है। तो ये जो एम सी स्लोप का जो भी डाटा है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर अगेन पी सी एक्स, राइट। सो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को इक्वेट करके ये वाला इक्वेशन आया है, क्लियर। तो हमको अब इन सब का करस्पॉन्डिंग पी सी एक्स वन, पी सी एक्स टू, पी सी एक्स थ्री निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको डबल मास का ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी बोल दिया गया है, क्या बोला है, ये वाला कौन सा ईयर के लिए, पी सी एक्स, सपोज वेट, पी सी एक्स का वैल्यू पी एक्स ही रहेगा, कब, फॉर द ईयर आफ्टर ब्रेक ईयर, मतलब कि ये वाला ईयर, राइट, ये वाला ईयर आफ्टर ब्रेक ईयर, मतलब देखो 2010, 11, 20, 14 ऐसा हो रहा है। सो आफ्टर ब्रेक ईयर का जो भी वैल्यू पी एक्स है वही करेक्टेड वैल्यू है, इसीलिए देखो पी सी एक्स इक्वल्स टू पी एक्स, ओके। वेरस पी सी एक्स इज इक्वल्स टू ये वाला कब होगा, बिफोर ब्रेक ईयर, मतलब देखो 2000 के पहले का, मतलब 2009, 2010, 2008 ऐसे ईयर में जो डाटा कलेक्ट किए थे उसका करेक्शन हमको निकालना है, कैसे, ये वाला फॉर्मूला से, क्लियर। मैं हमारे बारे बोल बन, देखो पी सी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स फॉर ईयर आफ्टर ब्रेक ईयर, ओके। मतलब यहाँ पे जो भी पी एक्स का वैल्यू रहेगा दैट इज द करेक्टेड वैल्यू ओनली, राइट। सो पी एक्स इज इक्वल टू पी सी एक्स हम बोल सकते हैं आफ्टर ब्रेक ईयर, क्योंकि मॉडिफाइड होने के बाद तो करेक्ट वैल्यू आ रहा है, राइट। आफ्टर ब्रेक ईयर मतलब आफ्टर 2010, तो आफ्टर 2010 जो भी पी एक्स का वैल्यू है वही पी सी एक्स होगा, क्लियर। और दूसरा बोला है बिफोर ब्रेक ईयर, मतलब बिफोर 2010, मतलब 2009, 2008, 2007 में जो डाटा कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, उसके लिए करेक्टेड वैल्यू का ये वाला फॉर्मूला है पी एक्स टू एम सी बाई एम ए, क्लियर। एक प्रॉब्लम करेंगे और क्लियर होगा, ठीक है, लेट अस डू दैट प्रॉब्लम। अच्छा, बिफोर डूइंग दैट दिस आर द स्टेप्स, ओके। स्टेप क्या है कि देखो क्या क्या दिया रहेगा, वैल्यूज ऑफ पी एक्स आर प्रोवाइडेड, ओके, मतलब पी एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, मतलब कि तुम्हारा एक्स स्टेशन में कितना रेनफॉल डाटा ईयर थ्रू आउट जितना भी ईयर का है डाटा, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, जितना भी ईयर्स का है सबका वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। पी एवरेज भी दिया रहेगा, मतलब उसके आसपास जो बेस स्टेशन है, मतलब पी एक्स को छोड़ के जो अलग बाकी स्टेशन है उन सबका एवरेज वैल्यू भी दिया रहेगा, ईयरली एवरेज वैल्यू, एनुअल एवरेज वैल्यू, ओके, रेनफॉल डाटा वो भी प्रोवाइड रहेगा। अब इन दोनों का यूज करके हमको चार्ट बनाना है, कैसे, पहले क्या करना है,
अरेंज द डाटा इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि लेटेस्ट ईयर को फर्स्ट ईयर में फर्स्ट रो में रख दो, मतलब तुमको डाटा देगा 2000 से लेकर 2020, मतलब 2000 2001 ऐसे करके जाएगा, 2000 2001 ऐसे करके जाएगा, उसको उल्टा कर देना है डाटा को, ठीक है, मतलब जो लेटेस्ट ईयर है उसको ऊपर रख देना है और जो एकदम ओल्डेस्ट ईयर है पुराना ईयर उसको नीचे रख देना है। जैसे कि ये वाला एक एग्जांपल देखो, ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, जो बोल रहे थे फर्स्ट है, देखो 1970 में एनुअल रेनफॉल कलेक्टेड एट स्टेशन एक्स पीएक्स है, ये सब दिया है, इतना इतना एमएम कलेक्ट हुआ है। एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 10 बेस स्टेशन पी एवरेज इस ईयर में इतना हुआ, इस ईयर में इतना हुआ, ऐसे, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप बोले थे हम इसको ऑपोजिट कर दो, मतलब स्टॉप मोस्ट में रहेगा कौन सा 1985 और नीचे में रहेगा 1970, ऐसा, मतलब उल्टा कर दो रीडिंग सबको। जैसे कि ये वाला देखो 1985 में ये उल्टा कर दिया हम पीएक्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पीएक्स, यहाँ पे देखो 1985 में था 69 और 67, सो 1985 में 69 पीएक्स, पी एवरेज है 67, वैसे करके करके हम यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द थर्ड स्टेप, फाइंड क्यूमुलेटिव पीएक्स, क्योंकि हमको ये डबल मास्कर बनाना है, मतलब क्या है वो क्यूमुलेटिव वैल्यू चाहिए उसको, ठीक है, ये सब जो भी वैल्यूज है ये सब है इंडिविजुअल, मतलब एक ही ईयर में इतना ही हुआ है, 1970 में इतना ही कलेक्ट हुआ है, 1971 में इतना ही कलेक्ट हुआ है, अब हमको क्यूमुलेटिव करते जाना है। जैसे कि अगर बोलोगे 1970 में इतना हुआ था तो 1971 में इतना हुआ है, तो क्यूमुलेटिव कितना है 1971 का, दिस प्लस दिस, ठीक है, 1972 का क्यूमुलेटिव कितना है, तो 70 में जितना हुआ प्लस करो 71 के साथ, प्लस करो 72 के साथ, 85 में कितना हुआ, ऊपर जितना भी है सबको प्लस कर दो 85 के साथ, तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, मतलब जमता जा रहा है, ठीक है। सो दोनों का ही निकालना है, ठीक है, जैसे कि ये पे देखो ये उल्टा कर दिया, अब देखो 69 था पहले, 69 ही रहेगा, ठीक है, अब 84 में क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये दोनों का डाटा ऐड कर दो, 124 हो रहा, ठीक है, 83 में क्या हो जाएगा, ये प्लस ये करना है, ठीक है, मतलब ये वाला भी रहेगा प्लस ऊपर का जितना भी था वो ऐड होगा, ये होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस ऊपर जितना भी है सब ऐड करो, ठीक है, करते करते हम जाएंगे, वैसे पी एवरेज का भी वैसे निकालना है, ठीक है, क्लियर, थर्ड पॉइंट क्लियर है ना, यस मैम, ओके। स्टेप फोर क्या है, नाउ प्लॉट द ग्राफ, ओके, ग्राफ को प्लॉट करना है, कैसे, इस एक्सिस में रहेगा तुम्हारा समेशन ऑफ पी एक्स, इस एक्सिस में रहेगा समेशन ऑफ पी एवरेज, ठीक है, जो कि हम लोगों ने प्लॉट कर दिया है, देखो जो भी डाटा कलेक्ट किए थे हम ऐसे करके प्लॉट कर, देखो 85 84 83 करके के लास्ट तक गए एकदम ओल्डेस्ट ईयर तक, ठीक है, तो यहाँ पे पी एक्स है, यहाँ पे पी एवरेज है, ओके, प्लॉट कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ब्रेक, पॉइंट ऑफ ब्रेक मतलब कि कहाँ पे तुम्हारा चेंज इन स्लोप हो रहा है वो पॉइंट निकालो, जो कि ये है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, हम चार्ट में भी दिखा देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, फाइंड द करेक्टेड स्लोप, मतलब कि जो जहां से चेंज हुआ, मतलब उस ईयर से लेकर अभी तक जितना ईयर है, रिसेंट जितना ईयर तक है डाटा कलेक्ट किया है, ऑल दोस डाटा विल बी योर करेक्टेड डाटा, सो उसका करेस्पॉन्डिंग स्लोप विल बी करेक्टेड स्लोप, ओके, एंड ऑल्सो फाइंड द स्लोप ऑफ द इनकरेक्टेड डाटा ऑल्सो विच इज एम आई और एम ए, ओके, दैट इज द बिफोर वाला ईयर का जितना भी है उस डाटा का स्लोप, देखो इसका स्लोप थोड़ा ऊंचा है, इसका स्लोप ऐसा थोड़ा स्लैंट है, राइट, दोनों स्लोप अलग अलग है, ठीक है, वो निकालना है हमको, और वो कैसे निकालेंगे हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, अब ये एम सी निकला है, एम ए निकला है, करेक्शन फैक्टर एम सी बाई एम ए पता चल जाएगा हमको, जस्ट लास्ट फॉर्मूला में पुट कर देना है, तो डिटरमाइन द करेक्टेड रेनफॉल डाटा पी सी यूजिंग द फॉर्मूला दिस वन, जो कि था पहले दिखाए थे, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द प्रॉब्लम, देखो ये है प्रॉब्लम, ठीक है, बोला है इनकंसिस्टेंसी दिखाओ और करेक्टेड रेनफॉल डाटा निकालो, ठीक है, देखो द टेस्ट द कंसिस्टेंसी बोला है, 16 ईयर डाटा का कंसिस्टेंसी है कि नहीं, मतलब स्लोप एकदम सेम रहेगा कि नहीं, स्लोप में चेंज मतलब इनकंसिस्टेंसी हो गया, ओके, तो बोला है प्रेसिपिटेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1970 हो गए इतने ईयर से है फॉर स्टेशन एक्स एज वेल एज एवरेज एनुअल रेनफॉल वैल्यूज फॉर द ग्रुप ऑफ 10 नेबरिंग स्टेशन लोकेटेड इन दिस वन, ये दे दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोले थे, क्यूमुलेटिव निकालो, क्यूमुलेटिव नहीं, फर्स्ट स्टेप है उल्टा कर दो, पहले लेटेस्ट ईयर को टॉप रो में और
ओल्डेस्ट ईयर को नीचे रो में, ठीक है, उस हिसाब से ये सब भी चेंज होगा, क्यूमुलेटिव कर दो, ओके। फिर दूसरा बोला था ग्राफ ड्रॉ करो, कर दिया। अब देखो इसमें चेंज हो रहा है स्लोप, तो मैंने जो किया था उसमें दिखाया जा रहा है कि इस पॉइंट से चेंज हो रहा है स्लोप, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, तुम कितने एक्यूरेटली ग्राफ को ड्रॉ करते हो। मैं तो यहाँ पे रफली कर दिया है, तो मेरा लिए ये वाला पॉइंट से चेंज हो रहा है, देखो यहाँ से लेकर एक स्लोप में जा रहा है, अब यहाँ से वो अलग सा स्लोप थोड़ा उठ गया है, ठीक है। तो दिस, ये वाला कौन सा है, दिस इज द ईयर ऑफ चेंज, मतलब इस टाइम से तुमने कुछ मॉडिफिकेशन किया है, तो इसके नीचे मतलब उसके बाद के ईयर का क्या होगा, रीडिंग विल बी, यू विल गेट करेक्ट रीडिंग नाउ, ओके। तो इसलिए इसका जो भी स्लोप है इसको बोलते हैं एमसी, राइट। इसी स्लोप को तुम एक्सटेंड कर दो ऐसे डैश डैश से, तो ये वाला लाइन का जो स्लोप है ये वाला लाइन का भी वही स्लोप होगा, तो ये वाला लाइन का भी स्लोप है एमसी, ठीक है। अब ये वाला जो डाटा है बिफोर मॉडिफिकेशन या बिफोर कुछ ऑब्जर्वेशन टेक्निक मॉडिफाई करने से या ऐसा कुछ मतलब ठीक ठाक रीडिंग लेने से पहले तुम्हारा ये भूलभाल रीडिंग शो कर रहा था इतना ईयर्स तक, ठीक है। तो ये वाला है इनकरेक्ट डाटा, तो इसका स्लोप है एम आई और एम ए, ठीक है। अब बोला गया है कि यही जो इनकरेक्ट डाटा है, देखो कितना कितना ईयर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ईयर में इनकरेक्ट डाटा मिला है हमको, तो उसी जो 9 ईयर का जो इनकरेक्ट डाटा था उसको तुम अब करेक्ट करो बोल रहा है, ठीक है, उसको तुम मॉडिफाई कर दो, करेक्ट कैसा होना चाहिए वो दिखाओ बोल रहा है। मतलब हमको शिफ्ट कर देना है ये डाटा को इस वाले स्लोप, मतलब इस वाले स्लोप से इस वाले स्लोप में हमको कन्वर्ट कर देना है, राइट। तो उसके लिए यही फॉर्मूला है जैसे हम बोले थे कि, ठीक है, यूनिटरी मेथड में जो दिखाए थे हम, ठीक है। तो ये वाला के लिए हमको क्या चाहिए, पी एक्स कौन सा होगा, अब पी एक्स विल बी ऑल दिस डाटा जो हम लोग कलेक्ट कर किए थे, राइट। एम सी कौन सा होगा, एम सी है ये वाला स्लोप और एम ए है ये वाला स्लोप। अब निकालेंगे कैसे, स्लोप कैसे निकालता है फॉर्मूला, कोई भी लाइन का स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, एनीवन, हेलो मैम वाई बाई एक्स कूड़े एग्जैक्टली डीवाई बाई डी एक्स, राइट, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब देखो ये वाला लाइन अगर हम लेंगे यहाँ पे एक, देखो एम सी बाई एम ए, एम सी बाई एम ए इक्वल्स टू क्या है, डेल वाई बाई डेल एक्स लिख सकते हैं हम लोग, राइट, या डेल वाई सी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं डेल वाई ए बाई डेल एक्स, ओके। तो यहाँ पे हम डेल्टा एक्स को फिक्स कर देंगे, तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा, ठीक है। तो एम सी बाई एम ए को हम बोल सकते हैं ये वाला, देखो डेल वाई सी बाई डेल वाई ए, ओके। तो यहाँ पे हम कौन सा फिक्स करेंगे, ये डिस्टेंस फिक्स कर देंगे, देखो यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस वी हैव फिक्स्ड इट, ओके। अब इस वाले डिस्टेंस कवर करने के लिए वो वर्टिकली कितना ऊपर गया है, तो ये स्लोप के लिए, देखो ये स्लोप के लिए ये वाला लाइन कहाँ पे टच कर रहा है इसको, इस वाले जंक्शन में, तो इसका करेस्पॉन्डिंग वाई जो भी है दैट इज वाई सी, क्योंकि ये वाला स्लोप किसका है, एम सी का एक्सटेंडेड है, राइट। सो डेल्टा वाई विल बी डेल्टा वाई सी, अब ये स्केल से मेजर करके हमारा आ रहा है 300, ओके। सेम अब डेल्टा इतना डिस्टेंस के लिए इसको परपेंडिकुलरली ड्रॉ करो, ये जाके टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन को टच कर रहा है यहाँ पे, तो इसका करेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू कितना है, इसका करेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू देखो 400 है, क्लियर, ये वाला क्लियर एवरीवन, फॉर सेम डेल्टा एक्स व्हाट इज द वाई वैल्यू, ओके। कुछ नहीं, एक डिस्टेंस लो, कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हो तुम, अगर बोलोगे मैं हम यहाँ तक लेंगे, ठीक है यहाँ तक लो, तो यहाँ तक काट के तुम इसको एक्सटेंड कर दो, अब एक्सटेंड करके देखो ये वाला लाइन को कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, दैट विल गिव यू वाई सी, ओके। फिर ये वाला एक्सटेंड को लाइन को एक्सटेंड कर दो, ये वाला लाइन कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, दैट विल गिव यू वाई ए फ्रॉम हियर, ओके। तो ये ग्राफ से हमको मेजरमेंट लेना है, तो मैंने एक मेजरमेंट लिया था कितना 300 एंड 400, यहाँ पे पुट कर दिया, सो एम सी बाई एम ए आ रहा है तुम्हारा कितना 0.75, ओके। दिस वैल्यू विल बी कॉन्स्टेंट, जो भी पॉइंट ये सब पॉइंट के लिए ये करेक्शन फैक्टर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ओके। वेरी करेगा सिर्फ क्या, ओनली पी एक्स का वैल्यू वेरी करेगा, कैसे लेट्स सी, देखो बोले थे कि
पी सी करेक्शन निकालने के लिए बोला, तो पी सी इज इक्वल्स टू पी एक्स आफ्टर चेंज, मतलब आफ्टर चेंज तो कुछ मतलब आफ्टर मॉडिफिकेशन या आफ्टर चेंजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, सब करेक्टेड रीडिंग आ रहा है, तो दैट इटसेल्फ इज अ करेक्टेड रीडिंग, राइट, जो भी रीडिंग आ रहा है वो करेक्टेड ही है, उसको और मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए पी सी विल बी इक्वल्स टू पी एक्स, वही कर दिया, जो भी पी एक्स का वैल्यू आ रहा है हम लोग का यहाँ 69, वही तुम्हारा करेक्टेड वैल्यू है। देखो कहाँ तक जाएगा, इतना 79 तक मेरा ब्रेकिंग पॉइंट था, देखो 79 तक ब्रेकिंग पॉइंट था, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी डाटा है ऑल दीज आर करेक्ट ओनली, सो ऑल दीज आर पी सी, ओके। अब यहाँ से तुम्हारा चेंज हुआ था, राइट, तो देखो उससे 78 से लेकर अब 70 तक देर शुड बी सम मॉडिफिकेशन, क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने कुछ यहाँ पे रेनफॉल ऑब्जर्वेशन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया था, कोई चेंज नहीं किया था, उससे हम इतना मतलब 70 से लेकर 78 तक हमको भूलभाल रीडिंग ही मिल रहा था, इसीलिए हमको करेक्शन चाहिए, पहले में करेक्शन नहीं किया, जो था वही करेक्टेड वैल्यू पकड़ लिया, अब यहाँ पे करेक्शन चाहिए, क्या है 0.75 का करेक्शन चाहिए, ठीक है, तो जो भी रीडिंग दिखा रहा था वो बहुत ज्यादा दिखा रहा था, तो उसको हमको कम कर देना 25%, ठीक है, तो कर दिया, देखो पहले था 75, अब वो कम होके कितना हो रहा है 56, ठीक है, सो पी एक्स फॉर दिस स्टेशन इज 75 इंटू एम सी बाई एम ए, दैट इज 0.75 विल गिव यू 56, करते जाओ सेम मेथड से, तो दीज आर योर नाउ करेक्टेड रेनफॉल डाटा, ओके, क्लियर एवरीवन, एनी डाउट, ऐसे निकालना है बस, यही है फंडा और कुछ नहीं है। पहले क्या बोले थे हम, सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर दो, ठीक है, कर दिया, फिर उसके बाद तुम्हारा ये डाटा को क्यूमुलेटिव कर दो, कर दिया, फिर ग्राफ ड्रॉ करो, कर दिया, फिर स्लोप निकालो, कैसे निकालना दिखा दिया यहाँ पे, स्लोप निकालो, स्लोप से फिर एम सी बाई एम ए निकालो, निकाल दिया, और दिस इज द लास्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला अलग करना है, ठीक है, 79 से लेकर 85 तक कोई करेक्शन की जरूरत ही नहीं, जो भी डाटा कलेक्ट किया दैट इज द करेक्ट डाटा ओनली, देखो 69 था यहाँ पे भी 69 ही है, यहाँ पे देखो 65 था यहाँ पे भी 65 ही है, सो दिस आर करेक्ट, लेकिन 70 से लेकर 78 तक जो बोले थे, 2000 से लेकर 2010 तक भूलभाल रीडिंग था जो कि 75-90 बड़ा ज्यादा रीडिंग दिखा रहा था, तो करेक्शन फैक्टर अप्लाई करके एक्चुअल रीडिंग ऐसा होना चाहिए था जिससे कि कोई मतलब कंसिस्टेंट रहे वो ग्राफ, ठीक है, एक ही स्लोप में रहे, ना कि इधर उधर आका मका ऐसा हो, सो दिस इज द मेथड ऑफ डबल मास कर्व, एनी डाउट टिल नाउ, सबाई आ चुकी, आची मैम आची, बोलो डाउट, मैं डाउट नहीं मैम, श्योर, এটা তাহলে করে দেখতে হবে একবার, না একটা অঙ্ক দিন তাহলে করে দেখতে হবে, ওকে, অঙ্ক এভরিথিং ইজ ইন ইওর 702 ম্যাকআউট কোশ্চেন পেপার, যাকে দেখ লেনা এসা টাইপ কা কহাঁ পে হ্যায় সার্চ করো, সমঝনে মে জাইয়ে, রাইট, ইয়ে কোন সা টাইপ কা প্রবলেম হ্যায়, যাকে এক প্রবলেম সলভ করো ওহাঁ পে, হমকো দেখনা পড়েগা একচুয়ালি কোন সা পেপার মে হ্যায়, ঠিক হ্যায়, বাট আই থিঙ্ক ইউ উইল বি এবল টু ফাইন্ড আউট আইডেন্টিফাই वैसा टाइप का प्रॉब्लम, सो आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी, लेट्स सी, कल के तो ना दिस वन रेनफॉल रन ऑफ रिलेशनशिप, ओके, इसमें भी ग्राफी है, रेनफॉल और रन ऑफ के बीच में एक रिलेशन जेनरेट करना कि रन ऑफ के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है या रेनफॉल के ऊपर कैसे रन ऑफ डिपेंडेंट है, ये दोनों कैसे डिपेंडेंट है ईच अदर से, सो वी विल लर्न दिस वन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके, लेट मी रीड आउट नाउ अटेंडेंस, ओके, प्लीज, কি এরকম কেন শো করে ডাটা গুলো, অর্পণ পল, अच्छा आई विल रीड आउट द नेम्स, ओके, दोज हु आर प्रेजेंट नो नीड टू राइट डाउन द नेम, इफ एनीवन्स नेम इज मिसिंग हियर इन द एक्सेल देन प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट सेक्शन, ओके, द अर्पण पाल, अयन मंडल,
বিশ্বজিৎ বেরা, বুদ্ধদয়াল, দেবরাজ থাপা, দীপশানু, কৌশিক, মনিরুল শেখ, মঞ্জিমা, নীলাদ্রি, প্রতীক, প্রেম কুমার, প্রীতম, পুলক, পূর্বাশা, পূর্ণিমা, সাগনিক, শ্যামাশ্রী, সুইমন, শুভজিৎ, শুভদীপ সরকার, শুভজিৎ বিশ্বাস, সুব্রত পাল, তনুশ্রী মাঝি। বাকিদের যাদের নাম নেই, প্লিজ নোট ইট, রাইট ইট ইন দ্য কমেন্ট সেকশন। সবার আছে? হ্যাঁ ম্যাম। সবার নাম শুনতে পেয়েছো তো যারা যারা আছো? Yes ma'am. ওকে ওকে দেন, ওকে দিস মাচ ফর টুডে, ইউ মে লিভ। ও আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম। হ্যালো ম্যাম, হ্যাঁ বলছি ম্যাম, এখানে কি ওই গ্রাফ গুলো কি মানে পরীক্ষাতেও গ্রাফ পেপার দেবে? এবার দেখো, করোনা সবকিছু ঠিক হলে গ্রাফ পেপার পাবে। আমি নরমাল সময় কথা জিজ্ঞেস করছি, নরমাল দাও গ্রাফ দেবে গো, গ্রাফ দিয়ে তো করবে, আবার হাতে তে আঁকবে এত টাইম নিয়ে? হ্যাঁ সেটাই বলছি ম্যাম, খাতায় বসতে হবে না, গ্রাফ পেপার দেবে। না না না, গ্রাফ পেপার দিয়ে তোমরা প্র্যাকটিস করবে, ঠিক আছে? গ্রাফ পেপার সবসময়ই থাকে, তোমরা চাইলেই দেবে। বিশ্বজিৎ নাকি এটা?